ब्रेकिंग न्यूज 1 IPL 2024 इंडिया में ही होगा, जो इलेक्शन की वजह से पहले इंडिया के बाहर हो सकता था। ब्रेकिंग न्यूज 2 BCCI सुरेश अय्यर और ईशान किशन से नाखुश है, इसलिए BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इन दोनों को इग्नोर किया था। ब्रेकिंग न्यूज 3 विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 मैच के लिए टीम इंडिया से जुड़े और वह दूसरे T20 मैच में तिलक वर्मा की जगह खेलते नजर आएंगे। ब्रेकिंग न्यूज 4 दिनेश कार्तिक इंग्लैंड लायंस के 10 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक बैटिंग कंसल्टेंट कोच बने। ब्रेकिंग न्यूज 5 ऑस्ट्रेलिया टीम के सिलेक्टर ऑफ चेयरमैन जॉर्ज वेली ने कंफर्म किया है कि डेविड वार्नर के संन्यास लेने के बाद स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में नए ओपनर होंगे। ब्रेकिंग न्यूज 6 पंजाब किंग्स की टीम ने IPL 2024 से पहले मुंबई के बिरबोन स्टेडियम में प्री टूर्नामेंट कैंप लगाया। ब्रेकिंग न्यूज 7 सूर्य कुमार यादव हुए फिट, वह नेट्स में प्रैक्टिस करते नजर आए। ब्रेकिंग न्यूज 8 एबी डिविलियर्स का कहना है कि RCB की टीम IPL 2024 का खिताब जीत सकती है। ब्रेकिंग न्यूज 9 भुवनेश्वर कुमार ने रणजी क्रिकेट में 6 साल की वापसी के बाद बंगाल की टीम के खिलाफ 41 रन देकर 6 विकेट लिए। ब्रेकिंग न्यूज 10 आयुष्मान खुराना ने कंफर्म किया है कि वह सौरव गांगुली के जीवन पर बनने वाली बायोपिक में सौरव गांगुली का रोल प्ले करते नजर आएंगे।